आप गाना भी गाते हैं और लिखे भी खुद हैं, थोड़ा गा के सुनाइए। बाबा कहाँ गया? गरीबों का सच्चा सेवक भैया नित्यानंद, मोदी जी के रूप में आए श्री भगवान हो, धन्य धन्य ही रामा के मोदी संतान हो, धन्य धन्य भारत माँ के वीर संतान हो, धन्य धन्य भारत माँ के जब तक गगन में सूरज चांद रहेगा, मोदी अभी जैसा का नाम रहेगा, गरीबों का सच्चा सेवक गरीबों का सच्चा सेवक भैया नित्यानंद हो, धन्य धन्य भारत वीर संतान हो, धन्य धन्य वीर संतान हो, धन्य धन्य भारत। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमारे, और कम से कम भगवान से यही दुआ है कि 20-25 साल और जिए और इसी तरह हमारे पूरे भारत में भी बिहार में विकास करते रहें। अच्छा, मोदी जी से मिल पाए क्या? नहीं, मोदी जी से नहीं मिले, मगर शौक है मोदी जी और अमित शाह से मिलने के लिए। हम दिल्ली जाएंगे यही देश में, यही बेस में जाएंगे, यही बेस में जाएंगे। मतलब पैदल यात्रा करेंगे या गाड़ी से जाएंगे आप? नहीं नहीं, सोच रहे हैं साइकिल से जाएंगे, बेगूसराय से 0 माइल, बेगूसराय 0 माइल से साइकिल यात्रा करते हुए मोदी जी बिना जाएंगे, मोदी और अमित शाह से मिलना है। और मिल के क्या कहना? मिल के क्या कहेंगे सर? कहेंगे और विकास कीजिए। मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह अभी तक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? नहीं, जो बचा हुआ उसको भी पूरा अंधाधुंध विकास करें। आपके हिसाब से विकास क्या बचा हुआ? विकास अभी थोड़ा मोड़ा और बचा हुआ है, जैसे मान के चलिए रोड मैंने 4 लाइन बन जाए, और जैसे अस्पताल जो बन गया है ना, वो अस्पताल बन गया है, वो अस्पताल बनने के पश्चात में हमारा जो बहुत मतलब कि बच्चे जो घर छोड़ के जाते हैं बाहर कमाने के, हाँ ये मेन मुद्दा, वो चीज़ पे बोलना पड़ेगा, वो चीज़ पे दिखाना पड़ेगा, वो चीज़ के लिए। जैसे अब जो घर में 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसकी शादी हो जाती है 3 लड़कियों का शादी हो गई, 2 बच्चे की शादी हो गई, वो अपने बच्चे और रोजगार के पेट के लिए कहाँ से दरभंगा तक चले जाते हैं, दरभंगा छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, उनकी बूढ़ी माता और उनकी माँ बाप सब अकेले में रहते हैं, जिनको बुढ़ापे का लाठी बेटा होता है कमाने के लिए बाहर चले जाता है, उसको कौन देखेगा? इसीलिए मोदी सरकार को, और हम भी वो बीजेपी के साथी है, हम भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन मोदी सरकार को जिस तरह से ये एम्स बनाकर विरोधियों को जातिवादों का जो मुद्दा उठाता था, आज इसी एम्स में हर एक बच्चा, हर एक जाति, हर एक मुसलमान, हर एक वर्ग का यहाँ पे इलाज होगा, उसी तरह से हर एक बच्चा जितना जाता है, छोटी जात का, बड़ी जात का, ब्राह्मण हो, चमार हो, दुसाद हो, जो भी हो, बाहर जाता कमाने के लिए, आज वही बच्चा जहाँ बिहार में रहकर कमाएगा, अपने माँ बाप का पेट देखेगा, अपने माँ बाप का लाठी का सहारा बनेगा, जिसकी आंखें की रोशनी चली जाती है उसका आँख का रोशनी बनेगा, तब जाके हमारा बिहार आगे चलते, तब सोचेंगे कि हमारा बिहार तरक्की में है और हमारे बिहार पे ध्यान दिया जाता है। आज से कितने साल पहले हमारे माँ बाप सब चले गए छोड़ के, लेकिन कहने का मतलब ये चीज पे जरूर ध्यान दिया जाए, बस अभी तक इस सारे मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा था। अभी तो आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे छठ में आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए दीपावली में, छठ पूजा में, फिर चले जाएंगे बाहर, फिर गांव समाज खाली हो जाएगा, फिर क्यों कौन देखता है? इस बात का जवाब दिखाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।